नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर दिल्ली से। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के महासचिव और दिल्ली के रजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा आज कनॉट प्लेस के पालिका बाजार गेट नंबर 1 पर दिल्ली में चल रहे हुक्का बार के खिलाफ एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें हुक्का बार से होने वाली बीमारियों और नुकसान के बारे में बताया गया। इस मौके पर DSGMC के प्रधान मनजीत सिंह जी के सहित दिल्ली की हजारों महिलाओं और यूथ ने हिस्सा लिया और हुक्का बार जगह जगह खुलने से दिल्ली सरकार की नाकामी बताया। वहीं महिलाओं का कहना था कि अगर दिल्ली सरकार ने जल्द इन हुक्का बारों पर लगाम नहीं लगाई तो आने वाले दिनों में महिलाएं और दिल्ली का युवा सड़कों पर उतरेगा और विरोध करेगा। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है, हुक्का बार से युवा पीढ़ी लगातार नशे की तरफ बढ़ रही है। कल तक पंजाब में केजरीवाल पंजाब को नशा मुक्त करने के दावे करते थे, मगर दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में है और दिल्ली आज नशे का हब बनती जा रही है। आइए सुनते हैं। बैन हुक्का जिसको आप आज कवर कर रहे हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा MLA दिल्ली के और दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा सोशल इवल है कि जिसको जितनी जल्दी अपने शहर से, हिंदुस्तान के कैपिटल से निकाला जाए, उतनी जल्दी हम अप सोसाइटी का भला करेंगे। नौजवान बच्चे, बच्चियाँ, मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ जो हैं वो सोसाइटी को पैदा करती हैं, और अगर इस लत में लड़कियां भी लग गई तो आने वाली औलाद का क्या हाल होगा, आने वाले समाज का क्या हाल होगा, यह बताने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल, दिल्ली सरकार अपने सभी वादों से तो मुकरी, स्कूल कॉलेज की जगह नौजवान बच्चों को नशा परोसने का काम कर रही है। यही लड़ाई हम उस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। देश में बाकी जगह जब बैन है तो यहाँ क्यों नहीं, क्यों यहाँ पर इसको बैन नहीं किया जा रहा, इसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इसमें कामयाब होंगे। दिल्ली के अंदर हुक्का बैन होगा, नौजवान पीढ़ी जो हमारी तबाही की तरफ जा रही है, हम उसको रोकने में कामयाब होंगे, इसलिए आज हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाया। ज़्यादा रजौरी गार्डन में हुक्का पार्लर्स और पंजाबी बाग में है और ये बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है जो कि अभी तक किसी ने इसको पकड़ा नहीं कि आने वाली पीढ़ी के ऊपर इतना इसका प्रकोप है कि आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी तो हुक्का नया से शुरू हुआ है, सो पीपल आर नॉट अवेयर कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। क्योंकि हुक्का में जब आप जाते हो तो ये कहता है आपने कौन सा हुक्का लेना है, स्ट्रॉबेरी लेना है, लिमका लेना है, जो भी है, लेमन लेना है, वो तो आपको ये कहता है कि इससे कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए फ्रेगमेंटेड। जबकि इसका जितना दोष है, क्योंकि जैसे सिरसा जी ने बताया कि इसकी पाइप में इसका फ्यूम्स रह जाते हैं तो बाहर निकलते नहीं है, तो जब आप हिनेल करते हो तो आप हिनेल नॉकट्रिंग्स कर ही रहे हो, उसके कारण इसके जो साइंस स्टडीज़ बताती हैं बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप है। और आने वाला बार इसलिए बंद होना चाहिए क्योंकि एक तो सबसे पहले हम आते हैं जो लड़के का मर्डर हुआ, मैं उस अपने जो छोटा मेरा भाई है जो एक्सपायर हो गया इसी मुहिम के चलते, उसने एक स्मोकिंग के लिए विरोध किया था जिसके लिए उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ के गया है कि भाई ये जो गलत काम के लिए डरना नहीं है। और आप जो कहते हो इसकी मुहिम इसलिए छेड़ गई है कि ये सारा ही हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक है। अब हुक्का जो इन्होंने नाम हुक्का दे दिया गया है, ये वास्तव में एक गाँव की प्रथा थी जो धीरे धीरे वहाँ तो छोड़ी जा रही है लेकिन शहरों में इसको एक फैशन के तौर पे लिया जा रहा है। तब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, और जो यूथ है हमारा उसको ये अभी तो वो सोच रहे हैं ये फ्लेवर है, ये इंजॉय है, ये इंजॉय नहीं, ये अपनी जान से खिलवाड़ है, अपनी जान से खेल रहे हैं बच्चे वो, जिनको ये पता नहीं है। जो ये आज सिरसा जी ने हमारे ये मुहिम चलाई है, ये हमें बहुत ही, हमारे समाज को बहुत ही फायदा देगी। आई एम वेरी प्राउड एंड ऑल्सो आई फील कि लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आई मीन पेरेंट्स ही कह रहे होते हैं कि ऑर्गेनिक है और स्कूल के बच्चे कर रहे होते हैं, लाइक जब हम लोग थे 5th 6th में तब ये कुछ नहीं था, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट, ये इतना रिसेंटली हुआ है और लोगों को इसके इल इफेक्ट्स नहीं पता। ये बात और भी सैड है, लाइक सिगरेट की, अल्कोहल की, ड्रग्स की, एवरीबडी नोज अबाउट इट, पर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। जो आप चीज़ कंज्यूम कर रहे हो आपको उसके बारे में पता तो होना चाहिए। आई फील कि जो चीज़ हमें इतना, बिकॉज पीपल डू इट इज़ फन कि मज़ा आ रहा है और इतने हुक्का बार्स हैं, अब जगह पे जाओ धुआं ही धुआं, कुछ भी नहीं है। लाइक एक्चुअली पीपल आर लाइक दिस इज़ व्हाट देयर सोशल लाइफ इज़, कि वो लोग सिर्फ ये जाके हुक्के कर रहे हैं। आई फील कि मतलब आपको समझना चाहिए कि आपके हेल्थ के लिए कितना ख़राब है। हम अंकल को सपोर्ट करने आए हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। हम हमेशा बच्चों को देखते हैं, स्कूल कॉलेज के बच्चे आजकल सिर्फ और सिर्फ हुक्का बार में मिल रहे हैं, रजौरी
गार्डन, पंजाई बाग, सारी जो चीज़ें हैं, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं वो सिर्फ हुक्के पे चल रहे हैं। बच्चे जाते हैं वहाँ पे हज़ार हज़ार रुपये खर्च रहे हैं, वो माँ बाप से चोरी कर रहे हैं जैसे अंकल ने बोला, ये सब बहुत ही गलत है। हेल्थ के लिए कितना गलत है वो भी एक बात है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट अंकल हैज़ टेकन दिस। नॉट ओनली एज अ पैसिव स्मोकर, नॉट ओनली एज अ एक्टिव स्मोकर, बट एज अ पैसिव स्मोकर ऑल्सो आपको बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का। एंड बच्चों को अवेयरनेस नहीं है। कहा जाता है कि स्मोकिंग से ज़्यादा हार्म नहीं होता, मतलब हुक्के से ज़्यादा हार्म नहीं होता, स्मोकिंग इज़ बैड, मोर वर्स देन इट, बट ऐसा कुछ नहीं है, हुक्का ऑल्सो बहुत इफेक्ट करता है। बट यही क्योंकि पुराने टाइम में अवेयरनेस नहीं थी कि हमारे लिए कितना हेल्थ के लिए बुरा है, बट आज यू लॉग ऑन ऑन इंटरनेट आपको कुछ भी मिल जाएगा, यू कैन रीड ऑल द फैक्ट्स अबाउट इट। सो आई फील हमें पता तो होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, क्या अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। आई मीन इट्स लाइक इट्स एट योर बॉडी इज़ अ टेम्पल, आप जैसे इसे रखोगे वो उतनी अच्छी रहेगी। तो आप अपनी बॉडी जिसको आपने इतने साल चलाना है आप उसे खराब क्यों करना चाहते हो इतना? थैंक यू वेरी मच सर। यहाँ पे अवेयरनेस देखी मैंने जो हुक्का बंद करने के लिए चल रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग प्रेफर करते हैं इन सब चीज़ों को जो लाइक शीशा हो गया या और चीज़ें हो गई हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का इसमें कितना फॉल्ट है? सर दिल्ली गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट मैं 100% फॉल्ट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि जो अवेयरनेस मूवी के टाइम पे चलाई जाती है कि धूम्रपान बंद करें या सिगरेट पीना बंद करें या गुटखा खाना बंद करें, गुटखा तो आज तक बंद नहीं हो पाया है, उसके ऊपर तो लीगल एक्शन नहीं लिया गया जस्ट बिकॉज कि उस गुटके का या तंबाकू का जो है उन्हीं के थ्रू उनको सबसे ज़्यादा टैक्स जाता है। तो सबसे पहले तो लीगल एक्शन जो है वो गुटके पे होना चाहिए, तंबाकू। अभी यूथ से हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा इसको हुक्का को बंद कराने में? सर गवर्नमेंट का रोल, सर फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट को बेसिकली यूथ को टारगेट करते हुए ऐसे कैंपेन्स निकालने चाहिए जिससे यूथ को समझ आए। बेसिकली हुक्का सर चिल्ड्रन इसलिए प्रेफर करते हैं, यूथ इसलिए प्रेफर करते हैं, दे कंसिडर इट एज एन ऑल्टरनेटिव टू सिगरेट्स, दे कंसिडर इट एज अ लग्जूरियस ड्रग। जी केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि नशा ख़त्म करेंगे, यही वादा लेके वो पंजाब गए थे, वहाँ से उनको मुँह की खानी पड़ी, पंजाब से मुँह की खाकर अब वो दिल्ली में आ गए फिर से वापस। दिल्ली के लोग उनसे बहुत परेशान है, जनता त्रस्त है हर कदम पर उनके साथ। जितने दिल्ली में हुक्का बार्स खोल रहे हैं उसका कारण सिर्फ दिल्ली सरकार की नाकामी है, उनकी काम चोरी की वजह से इतने हुक्का बार दिल्ली में सफलता से चल पा रहे हैं। वरना किसी की मजाल नहीं है कि यूथ को हुक्के की लत लगा सके। अगर ऐसा हो पा रहा है तो सिर्फ एक केजरीवाल जी की नाकामी है, उनकी टीम की नाकामी है। ये सारी हम स्टेट गवर्नमेंट की पूरी नाकामी है कि जो हुक्का स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के अंडर है ये सारे रेस्टोरेंट्स, तो इनको ये हुक्के पे पता नहीं बैन क्यों नहीं लगा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए हमने तंग होकर अपने नौजवान साथियों को इस दलदल में फंसते हुए देखकर अपनी मुहिम जो उनसी आज शुरू की है, जो कि हमारे एमएलए सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी जो यूथ आइकन है, मनजीत सिंह जीके जी प्रेसिडेंट दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और भी बहुत सारी बड़ी हस्तियां जो हमारे साथ लगकर जिन्होंने हमें बल दिया ये मुहिम शुरू करने के लिए, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। देखो जी ये सरकार का वहाँ पर एक इलेक्शन का एक नुस्खा था, इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने वहाँ पर झूठ फैलाया था कि पंजाब सरकार नशे बढ़ा रही है। इन लोगों को पहले दिल्ली सुधारनी चाहिए थी, दिल्ली इनसे सुधर नहीं रही है और ये यहाँ पर पंजाब सुधारने की बात करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, तुसी कहा कि हुक्का मिल गया ते इदा के किन्ने सारे वादे उन्होंने किए कि स्कूल बनाने दे, कॉलेजा खोन दे, सीसीटीवी कैमरा लगाने दे वादे किए, पर यह हुक्का बार जिहड़ा तुसी बिल्कुल सही मुद्दा चक्या कि जिहड़ा पंजाब च इन्होंने नशा बंद करन वास्ते इन्होंने कहा सीगा कि आपां इलेक्शन जीतांगे, बस इलेक्शन दे पॉइंट ऑफ व्यू सीगे कि इलेक्शन की नशा बंद कराना है। और नौजवानों से वादा किया था कि हम वाईफाई लेके आएंगे, वाईफाई की जगह अगर दिल्ली सरकार लेके आए, अरविंद केजरीवाल लेके आए तो वो हुक्का। यदि हमारी खास रिपोर्ट आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।